विधानसभा पारित है विश्वविद्यालय संशोधन बिल। चार दिन धरी वितर्क पर पारित हो विश्वविद्यालय संशोधन बिल। ए बिल द्वारा एणिकी गोटी आईन में परिचालित हो समस्त विश्वविद्यालय। उच्चशिक्षा विभाग अधीन विश्वविद्यालय गोटी आईन में परिचालित हो। सिनेट व्यवस्था को उच्छेद सहित सिंडिकेट व्यवस्था को अधिक मजबूत करीसी कार्यकाल तीन वर्ष बदल में चार वर्ष को वृद्धि कर तेरे समान विश्वविद्यालय में द्वितीय थर भिसी निजुक्ति होनी कहते उच्चशिक्षा मंत्री। अंपटे बिल पास पर यह कला आईन बोली कांग्रेस कहती तेज विश्वविद्यालय संशोधन बिल आलोचन अंशग्रहण करना बीजेपी। तबे विश्वविद्यालय संशोधन बिल पारित हो विधानसभा पारित हो विश्वविद्यालय संशोधन बिल। मंत्री कहिले निरपेक्षता और स्वच्छता भित्तिरे हेबो भिसी चयन। समय आगू जाउची एवं समक्रमे अनेक विधि व्यवस्था मध्ये बदलुची। 1989 31 वर्ष तले यूनिवर्सिटी आक्ट हेतला तेणु 31 वर्ष पर किछिटा परिवर्तन करा जाय छी। सबु परिवर्तन गोटे भूल वार्ता जाउ छी जे सबु किछि परिवर्तन हे नुआ जत्ते गुडे पॉइंट अछि बा क्लॉज अछि सेतरु केतोटी क्लॉज परिवर्तन करा जाय छी एवं ता भितरे बड़ कथा होउछि जे हमर जो टीचर्स रिक्रुटमेंट होउछि ताको ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन को दबा पई आज बिल रे पारित हे छी। जो कथा को नहीं कि प्रायतः ये गोटे पॉइंट उपरे सेमानकर ऑब्जेक्शन रहुची मो साथ रे सेमान आलोचना करिसेंती मो मध्ये ता सुजोग देथिली मो मध्ये चाहूतिले आलोचना करिया को आलोचना कला बेले से कहले सब गुडा ठीक अछि आपण ए जो शिक्षक नियुक्ति टाको ओपीएससी को दियंतु नै एठी कथा उठिची जे ओपीएससी के दबा फल रे आमे आज जो आनिलु अमेंडमेंट आनिलु सेतिरे तीनि जन सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहिबे। सिनेट व्यवस्था उच्छेद करिवार कारण होची जे सिनेट जो बसे सेठी विशेष भावरे केवल गोटे सजेसन्स दियंती एवं द्वितीय कथा होची लास्ट 10 वर्ष धरी उत्कल यूनिवर्सिटी सिनेट बसिनी जगन्नाथ यूनिवर्सिटी सिनेट 9 वर्ष धरी बसिनी गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी जेबीटी 5 वर्ष धरी सिनेट बसिनी कोडी 6 वर्ष कोडी 3 वर्ष सिनेट बसुना सिंडिकेट ही सब कथा को अनुमोदन कलापर कार्यक्रम चली तेणु आम चाहिए सिंडिकेट को आहरी शक्तिशाली करूँ। बिल जोटा पास कले यूनिवर्सिटी आईन संशोधन करा तो निश्चित भाव कला आईन विधानसभा मध्य आज स्मरणीय रे गोटे कला दिवस है विधानसभा कहीं नाच गीत बाद्य हो हल्ला भितर के विधि विधान करा जाए ना बिल आलोचना करा जाए ना बिल पास करा जाए ना एवं से पुणी एत गुरुत्वपूर्ण बिल जोटा कि राज्यर भविष्य बढ़ दुर्भाग्य विधायक मान प्रति अपमान सूचक व्यवहार कराला सिंडिकेट रे विधानसभा प्रतिनिधित्व रहा सिनेट तो रही सिनेट उठीगला एवं यूनिवर्सिटी जो आम ऑटोनॉमी कौचु ताको छिन्न करागला। ये पूरा प्रसंग अधिक आलोचना करने फोन लाइन में जोड़ी होती शिक्षाविद अच्छा प्रीतिश आचार्य सुक्त आचार्य आपको स्वागत करुच्छे आलोचना को बहु हट्टगोल पर आप देखु विधानसभा पारित है राज्य विश्वविद्यालय संशोधन बिल तो एणिकी गोटी आईन में परिचालित हो समस्त विश्वविद्यालय पूरा प्रसंग को आज कि देखुं कौन कह चाहिए विश्वविद्यालय ऑटोनोमी आगु भी नथिला आउ ए बिल द्वारा ए बिल आईन दे परिणत हेबा परे ऑटोनोमी जहाँ भी थिला अल्प बहुत ता आहरी नष्ट हो आउ विश्वविद्यालय जेमिति सरकार गोटे अधीन रे गोटे डिपार्टमेंट भलिया काम करबो यूनिवर्सिटी रो विश्व जो
कुलपति मैंने से गोटे प्रिंसिपाल भाया तर जो स्तर को पलि आस यूनिवर्सिटी जो अपॉइंटमेंट रे इते राज्य सरकार ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन रो जो हस्तक्षेप रहिबो जो ता द्वारा जो हेबो फल कौन हेबो जो ऑलरेडी विश्वविद्यालय मानक जो शिक्षक जो उणा चली जो 50% 60% शिक्षक कम अच्छा ताद्वारा आहरी विलंब हे आम अधिक किसी कहवा ना कि जो क्लासरूम जोटा इंस्ट्रक्शन क्लास नेबाटा से व्याहत हेबो जो आहुरी गुरुत्वपूर्ण कथा देखंतु सिनेट व्यवस्था को उच्छेद करा गला सिंडिकेट को व्यवस्था को अधिक मजबूत करा गला ता सहित भिसी कार्यकाल 3 वर्ष बदल रे 4 वर्ष को वृद्धि करा जाय छी आपण कोन लागु छी यादरा केते दूर संस्कार आस परिबो गुटे तो हला जे सिनेट व्यवस्था हला गुटे एमिति गुटे पब्लिक फोरम भलिया जोटा साधारण कोन आशा करूछंती विश्वविद्यालय उठारु से रिप्रेजेंट करे आ विश्वविद्यालय कौन तार दर्शन रही कौन तार दृष्टि रही से लोकों सामने से पेश करे आउ जिते बड़े सीनेट ठीक कार्य कला ना बोली एबुलिश करमी ठीक करम करवस्था होवार आवश्यकता थी इनस्टेड अफ एबुलिशिंग इट से देर सुड हाव बीन सम एफर्ट्स सो दैट द सीनेट बिकम्स से इफेक्टिव बिकज अन्य यूनिवर्सिटी मानक सीनेट जो अच्छी विदेश में कि आम गोटे जो विश्वविद्यालय कथा कहते विश्वर विश्वविद्यालय उन्नत विश्वविद्यालय मानक सांगे आम समतुल एक विश्वविद्यालय क्या देखे आम जो बिहार विश्वविद्यालय कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय सांगे तुलना न करें गोटे भल विश्वविद्यालय सांगे आम निज तुलना करवा कथा आठ जो ऑटोनॉमी अच्छी से ऑटोनॉमी आम दे पारिंट कि स्वायत्तता आम दे पारिंट कि से स्वाधीन चिंतार जो परिवेश हमें दे पारिंट कि जो दे पारिनाहंती ताले देवापाई प्रयास हो अच्छा अशिक तो आचार्य या तरह छात्र छात्री माने केते दूर उपकृत होई परिबे सेमान को कोन सुफल मिलबो बोली आपण भाबु छथि शिक्षा बिते इस बारे स्वाधीन चिंता रे जोटा आग्रु भी विश्वविद्यालय रे शिक्षक मानकर जितुले स्वाधीन चिंता रहबो नै तहार प्रतिफलन पड़े पिला मानक ऊपर किंतु ये सब बड़ असुविधा हे विश्वविद्यालय मानक जो शिक्षक निजुक्ति जोटा एवं ओपीएससी द्वारा हेबली कहफल मोर आशंका कि से शिक्षक निजुक्ति डेरी हो जो तो कहीं सब सब विश्वविद्यालय जो शिक्षक निजुक्ति हवा कथा से निजुक्ति ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन जी सुरखुर ठीक भविष्य को देखिए नियुक्ति न करे ताहले विश्वविद्यालय मैंने जो शिक्षक नथिबार जो असुविधा से समीकरण हे फल शिक्षक साधारण पिला आउ विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था सब गोटे अधोगतिर सामना कर अज्ञा निश्चित भाव में विरोधी कहते कला आईन और कला दिवस किंतु विभाग मंत्री कहते निरपेक्षता और स्वच्छता भितर भिसी चयन होनेक देखा कि तर्क वितर्क पर विश्वविद्यालय संशोधन बिल पारित हो बहुत बहुत धन्यवाद शिक्त आचार्य आपण आम सहित अधिक आलोचना कर विधानसभा रे विरोधी बीजेपी रो हो हल्ला प्रधानमंत्री किसान निधि योजना एवं खणी दुर्नीति प्रसंग रे आलोचना पई सुजोग मिलु नथिबा कही गृह मझिरे हो हल्ला कहिबाकु सुजोग न देले गृह चलाई देबुनी बोली विरोधी दल नेता कहिले खणी प्रसंग रे आलोचना पई सरकार प्रस्तुत बोली कहिथिले बिजेडी विधायक काही कि सरकार आलोचना पई प्रस्तुत हेलेनी पीएम किसान तथ्य हिसाब पई रखिबा पई केउठी असुविधा बोली कहिले विरोधी दल नेता प्रधानमंत्री किसान निधि सहायता प्रसंग रे मूलतबी नोटिस ग्रहण नहेबाकु उद्वेग प्रकाश प्रदीप्त नायक प्रधानमंत्री किसान निधि योजना रे प्रथम किस्ती 37 लाख हिताधिकारी पाइले हेले षष्ठ किस्ती को 4 लाख को खसी आसिला किपरी हिताधिकारी अपलोड करिबा कहार दायित्व बोली प्रदीप्त पचारिथिले तेबे बाचस्पति कहिले गतकाली समान प्रसंग थिबारु आज ग्रहण हेलेनी एवं संसदीय व्यापार मंत्री कहिथिले जे गतकाली कृषक मानक समस्या प्रसंग उपरे मूलतपी आलोचना रे विरोधी दल अंश ग्रहण न करिबा दुर्भाग्यजनक आसवा परवर्ती खबर को कोयला स्काम रे दिलीप राय दोषी दिलीप राय को दोषी सब्यस्त कले स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट स्वतंत्र विचारपति भारत परासर मामलार शुणाणी कर दिलीप राय को दोषी सब्यस्त करिसंती आसंता 14 तारीख रे स्वतंत्र कोर्ट रे हेबा दंडादेश
अटल बिहारी वाजपेयी सरकार समय कोयला मंत्री थे दिलीप राय। कोयला मंत्री थिबाबळे 1999 मसीहारे कैस्ट्रन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को झारखंड ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता होइथिबा अभियोग होइथिला। मामलें कोयला मंत्रालय तत्कालीन अतिरिक्त सचिव प्रदीप कुमार बानर्जी प्रकल्प परामर्शदाता नित्यानंद गौतम कोर्ट दोषी सब्यस्त करिसथि। एथसहित कैस्ट्रन टेक्नोलॉजीज निर्देशक महेन्द्र कुमार अग्रवाल दोषी सब्यस्त होती विरोध में आईपीसी 120 बी अपराधिक षड्यंत्र 420 अर्थात ठकई 409 अर्थात विश्वास भंग और प्रिभेनसन अफ करपसन आक्टर विभिन्न धारा कर। राज्य में आउ 2673 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती संगरोधर 1554 और स्थानीय अंचल 1119 जन पजिट बाहरी तेज खोर्धार सर्वाधिक 448 जन आक्रांत चिन्हट होती कटक 214 नुआपड़ 159 केन्द्रापड़ 151 अनुगुल 126 पुरी 126 मयूरभंज 100 भद्रक 97 बलांगीर 93 सुंदरगढ़ और जाजपुर 88 जन लेखाएं कलाहां 77 संबलपुर 73 नवरंगपुर 72 बालेश्वर 70 सोनपुर 79 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती सेपरी बरगढ़ जगतसिंहपुर झारसुगुड़ 68 जन लेखाएं केन्दुर 51 गंजाम और कंधमाल 44 जन लेखाएं कोरापुट 39 ढेंकानाल 36 नयगढ़ 35 मलकानगिरी 32 देवगढ़ 18 बौद्ध 13 गजपति और रायगढ़ 11 जन लेखाएं पजिट चिन्हट होती। आज आक्रांत को मिशाई राज्य में कोरोना आक्रांत संख्या 2,38,003 को वृद्धि पाई एम 2,06,400 जन सुस्थ हो पार्ता बेले 30,610 जन चिकित्सित होती। सेपटे राज्य में आउ 16 जन जीवन नहीं किलर भाईरस आज बालेश्वर 4 खोर्धार 3 कटक 2 जन मृत्यु होती अनुगुल बौद्ध मयूरभंज नवरंगपुर जड़े लेखाएं आक्रांत मृत्यु होतीसहित नयगढ़ पुरी और सुवर्णपुर जड़े लेखाएं आक्रांत जीवन नहीं किलर भाईरस आज मृतकों मिशाई राज्य में कोरोना मृत्यु संख्या 940 को वृद्धि पाई। रशिया रे व्यवहार करा कोरोना वैक्सीन स्पुटनिक भी भारत को आने डॉक्टर रेड्डी लैब उद्यम एक प्रतिषेधक फेज 2 और 3 ह्यूमन ट्रायल अनुमति देवा डॉक्टर रेड्डी लैब पक्ष ड्रग्स कंट्रोलर जनरल निकट में गत सप्ताह आवेदन सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल संस्था सीडीएससीओ डॉक्टर रेड्डी लैब को एक मानव परीक्षण प्रोटोकॉल दाखल करने को कहते देश में कमुची कोरोना संक्रमितों संख्या संक्रमण हार प्राय 5.5% कमी आज दिनक 61,267 नुआ कोरोना संक्रमित चिन्हट होती देश में मोट कोरोना आक्रांत संख्या 86,85,082 को वृद्धि पाई से हीपरी 24 घंटे महामारी कोरोना नहीं 884 जन जीवन या मिशाई देश में कोरोना मृत्यु संख्या 1,03,569 को वृद्धि पाई मोट आक्रांत 56,62,490 जन सुस्थ होती एवं भी देश में 9,19,023 जन चिकित्साधीन अच्छा। ओडिशा रे पाखापाखि 2600 लोक 3000 कम लोक अफेक्टेड थे बाहर नुआ आउ इंडिया कथा देखले भी इंडिया रे प्रथम थर पर संख्या कमी तेणु एटा कौटि ना कौटि गोटे आमको आश्वासन दौर बोध हुए आर जो कूप था करोनार जो प्रकोप था यहाँ धीरे धीरे ये जो आम जो नर्माल अन्य राष्ट्र गुड़िक देखा से ही अनुसार आम आशा करता हुए तो यही धीरे धीरे खसा आरंभ कर किंतु सेम टाइम रे मुझे गोटे कथा कह चाहूँ करोनार जो ग्राफ करोना कौन से मैथमेटिक्स पड़ी करोना आम जो ग्राफ करुचे यहाँ जदि सब ठीक ठाक चले मैंने जदि लोक मैंने ठीक से व्यवहारिक परिवर्तन देखा जदि से जो आम शिक्षा लाभ करी आपणकर मास्क ठीक से पिंधती सोशल डिस्टेंसिंग करती आपण बेसी बाहर को बुला अजथा बुलाबूली न करी जो आप बाहर जाऊँ हाथ सानिटाइज करती युवा जब मानिकी चलिए प्लस सरकार जो पदक्षेप गुड़ाक अच्छी से गुड़ा जमी टेस्टिंग बढ़ा हो ट्रेसींग बढ़ा होगुड़ा जब चलो सैमल्टेनियसली
आसंता सप्ताह को घुंचिला हाथरस गण दुष्कर्म और मृत्यु मामलार शुणी घटनार सीबीआई तदंत सहित उत्तर प्रदेश दिल्ली स्थानांतर करने को आगत जनस्वार्थ मामला उपरे आज होइछि प्रारंभिक शुणी जोंठी 16 पृष्ठा संबलित सत्यपाठ दाखल कर सर्वोच्च कोर्ट का प्रत्यक्ष तत्वधान में सीबीआई तदंत अनुरोध कर उत्तर प्रदेश सरकार वकिल तुषार मेहटा तेज सीबीआई तदंत नहीं असंतोष प्रकाश कर पीड़िता परिवार पक्ष केस लड़ुवा वकिल इंदिरा जयसिंह सुप्रीम कोर्ट को तत्वधान में एसआईटी तदंत चाहते इंदिरा जयसिंह बड़धरण संभाव्य हिंसाकांड एड़ाई राति अंत्येष्टिक्रियाला जो मृत युवती परिवार सम्मति कहसत कि राजनैतिक दल और गणमाध्यम प्रतिनिधि घटना को सांप्रदायिक रंग देवा चेष्टा कर सत्यपाठ कह सेपटे इलाहाबाद हाइकोर्ट को तत्वधान में मामलार शुणी कर परामर्श देते सुप्रीमकोर्ट तेज एने अभियुक्त साक्षी एवं पीड़िता परिवार को आवश्यक सुरक्षा जगै देवाक कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देते यूपी सरकार आसंता काली एहा परे आउ एक सत्यपाठ दाखल करने को हाथरस घटना को अजथे संवेदनशील बोली उत्तर प्रदेश सरकार कहता बेले सुप्रीम कोर्ट किंतु कहते यह अत्यंत दुखदायक चीन मनमानी रोकिबा को सजबाज एकाठी होती भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान यह चारोटी देश को नहीं गठित क्वाड्र गुरुत्वपूर्ण बैठक टोकियो आरंभ हो बैठक में चारोटी देश वैदेशिक मंत्री जोगदेवे भारत पक्ष वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर बैठक में सामिल होती क्वाड संगठन द्वितीय मंत्रीस्तरीय बैठक गतवर्ष न्यूयॉर्क में प्रथम मंत्रीस्तरीय बैठक बसी इंडो पैसिफिक अंचल में चीन अयथा हस्तक्षेप अंकुशपाई यह संगठन गठन कर संगठन मध्यम परस्पर मध्य सामरिक और कूटनैतिक सहयोग अमेरिका भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया पूर्वरु सहमति होइथिले आगकु रचने गुरुत्वपूर्ण खबर किंतु वर्तमान समय होछि गोटे छोटे ब्रेक निजिबा स्वागत श्रद्धालुंक पई श्रीमंदिर खोलिबा दाबी रे सेवायतंक धारणा श्रीमंदिर अरुणा स्तंभ निकटरे फूल तुलसी धरी धारणा रे बसिथिले सेवायत माने जदि विधायक प्रदीप महारथीक शेषकृत्य रे सह सह लोकमाने एकत्रित होइ परिले तेबे श्रीमंदिर खोलिबा रे केउठी असुविधा रहिछि बोली प्रश्न करिछंती सेवायत कटकणा मध्ये श्रीमंदिर खोलिबा को दाबी करा जायछि प्रति 2 घंटारे थरे मेडिकल टेस्ट करी भक्तंक मंदिर को छोडा जाउ महाप्रसाद बंटन को श्रृंखलित करने दावी करवायत जगन्नाथ मंदिर रे बहु लोक पुरी रे पर्यटन क्षेत्र में आम जन्म हवा 68 बयस आमको हो गला सरकार केते झड़ केते बात्या केते 8 मास काल मंदिर द्वार चारि द्वार कदापि बंद होनी दाबी आमर लोक मंदिर को स्वल्प संख्यार लोक छड़ा एवं उत्तर द्वार खोल लोक महाप्रसाद सुजोग पाइबे एति आउ किछ नै सुनतु आलोचना हले आमे कहबो जे मंदिर भितर न कोनसा को बाहर लोक प्रवेश न करंतु जतिके तीर्थार्थी आउछन्ते एठिकी ताको डाकंतु जेमति जीवा कथा कोविड मामर जेम जीवा कथा चारि दर डाक्टर रहंतु ताको देखा चार्ज करा जाउ ताको धेर अछि कि नै ताको छोडा जाउ 50 लोक छाडी छि दिन कतर 200 जन जानतु 2000 लोक जानतु दिन कतर कटि जीव कोन नुआपड़ा जिले में जंगली बारहा चाषी मान दाउ साजिश बारहा को रोकने चाषी माने अनेक प्रकार उपाय अवलंबन करुथिले मध्य विफल होउछंती जमीरे नई पड़ा उजुड़ा धान को साउंटिबारे लागिछंती नुआपड़ा सान महेश्वर पंचायत चाषी माने वर्षा बन्यारे नुहे बरंग जंगली बारहा उत्पाद जो नई पड़ी पाचिला धान खड़ियाल ब्लक सान महेश्वर पंचायत चका डंगर पहाड़ दैनंदिन पल पल बारहा आसी चाषी चाष नष्ट कर सान महेश्वर भली दोहेलपड़ा खासबहार पंचायत में उत्पाद कर बारहा बारहा को घोड़ेबा चाषी मैंने सारा राति उजागर रही चेष्टा चलते कि लाभ मिलूना चका डर तले मोर खेत अच्छे आज्ञा सब 4-5 किसान अच्छे सबके माड़ी खुंदी कर दहन कर दौचे आर से आम सगली बेडली भी नहीं पार्छुना क्या करम सब पार कर खेल बुछरा बागी सब माड़ी खुंदी कर दहन कर दौर बहुत किसी नहीं दुर्नीति अन्याचार कर केंदा केते बेले बरा आउचे खाउचे केंदा इदा राती आउचे आइए राती आउचे सते केते बेले आबे जाई नि पारवा चलित वर्ष जिल्ला रे भलो चासो होई छी
ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଭଲ ଧାନ ଅମଳ ହେବାର ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ହେଲେ ବାରହା ଯୋଗୁଁ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖଡ଼ିଆଳ ଟିଏଫ୍ଓ କହିଛନ୍ତି। ଯୋ ବି ନୋନ୍ କେସିସିଏଫ୍ ନୋନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁଙ୍କୁ ଅଲରେଡି କମ୍ପନସେସନ ଦିଆଯାଇଛି। ହାତୀ ପାଇଁ ବାରହା ଭାଲୁ ସବୁ କମ୍ପନସେସନ ଦିଆଯାଉଛି। ବାରହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ ହେଁ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥାନ ମହେଶ୍ୱରରୁ ବିଜୟ କୁମାର ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଅନେକ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ। ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ସେତୁ। 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 720 ମିଟର ଲମ୍ବ ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କମିଯିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସେତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏବେ 720 ମିଟର ଲମ୍ବ ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 150 କୋଟିର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ରାୟଗଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 40-50 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା କମିଯିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ସେତୁ ହେବା ଫଳରେ ଆମର 120 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କମିଯିବ, ଯାହାକି ଆମର ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବରହମପୁର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ କି ଆମେ ରାଜଧାନୀ ଯିବାକୁ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର 120 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଆମର କମ୍ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆମେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ବରହମପୁର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଏବଂ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇପାରିବୁ। ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣା ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ। ସେତୁ ନଥିବାରୁ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏତେ ବ୍ରିଜ ହେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ ହେତା, ଆମକୁ ବେଶୀ ସୁବିଧା ହେତା। ଏବେ ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପାପ ପଡ଼ତା, ନରମପୁର ଜୟପୁର କିନ୍ଦ୍ରି ଯିବାଟା ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛେ, ଏଥିକି ଆମକୁ ବଢ଼ିଆ ସହଜ ହେତା। ରିଜର୍ଭର ଉପରେ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ ହେବ, ଆଉ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଲା ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଆଉ ଲେଙ୍କ ପାଖାପାଖି 40-50 କିଲୋମିଟର କମିଯିବ। ଏବେ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ଲି 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।